एक वॉइस कॉल आता है और उस वॉइस कॉल में जो है बीजेपी की जानिब से वॉइस कॉल में अपील किया जाता है कि बीजेपी को वोट डालने की, और जब वहां पर मोबाइल में जो है ट्रू कॉलर के अंदर जो नाम आता है ट्रू कॉलर में नासिर हुसैन उस्ताद जेडीएस बोलकर वो ट्रू कॉलर में नाम आ रहा है, ये हरकत बीजेपी भी कर सकती है और कांग्रेस वाले भी कर सकते हैं। वो बहुत ही चीप हरकत है, बहुत गरीबी हरकत है, यानी कांग्रेस और बीजेपी दोनों लगातार नासिर हुसैन उस्ताद के खिलाफ नेगेटिव कैंपेन चला रहे हैं। उसके अंदर सीटिंग हो रही है, बीजेपी से पैसा मिल गया है, ये लोग वहाँ पर सरेंडर होने वाले हैं, कांग्रेस और जेडीएस एक होने वाली है, बीजेपी वाले ऐसे ऐसे ये कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये साबित होता है कि नासिर हुसैन उस्ताद अब बहुत आगे जा चुका है। इतनी दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय रायदान मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट, वैरायटी ऑफ ट्रेडिशनल फूड्स, अरेबियन, टर्किश, मिडिल ईस्ट, ग्रैंड इंटीरियर, जेन्युइन स्पाइसेस, हाइजीनिक किचन, एड्रेस टीपू सुल्तान चौक, रिंग रोड, गुलबर्गा उत्तर, गुलबर्गा शुमाल, गुलबर्गा उत्तर के वोटर्स के सामने मैं आज एक अहम बात यहाँ पर रखने के लिए आया हूँ। आज आफ्टरनून यानी दोपहर में एक वॉइस कॉल आता है और उस वॉइस कॉल में जो है बीजेपी की जानिब से वॉइस कॉल में अपील किया जाता है कि बीजेपी को वोट डालने की, और जब वहाँ पर मोबाइल में जो है ट्रू कॉलर के अंदर जो नाम आता है ट्रू कॉलर में नासिर हुसैन उस्ताद जेडीएस बोलकर वो ट्रू कॉलर में नाम आ रहा है और अपील जो है बीजेपी की जानिब से की जा रही है। तो मैं यहाँ पर हो सकता है ये कांग्रेस पार्टी, या देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, तो ये जो हरकत जिसने भी किया है वो बहुत ही चीप हरकत है, बहुत गरीबी हरकत है, और इससे ये भी साबित होता है कि यहाँ पर नासिर हुसैन उस्ताद बहुत आगे जा चुका है। ये हरकत बीजेपी भी कर सकती है और कांग्रेस वाले भी कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि फ्रॉम द बिगिनिंग शुरुआत से इलेक्शन के शुरुआत से दोनों पॉलिटिकल पार्टी यानी कांग्रेस और बीजेपी दोनों लगातार नासिर हुसैन उस्ताद के खिलाफ नेगेटिव कैंपेन चला रहे हैं, झूठे झूठे अफवाहें फैला रहे हैं, यहाँ तक कि रमज़ान के महीने में सर पे टोपी और दाढ़ी रखकर जो है लोगों के सामने लॉज के अंदर सीटिंग हो रही है, बीजेपी से पैसा मिल गया है, ये लोग वहाँ पर सरेंडर होने वाले हैं, कांग्रेस और जेडीएस एक होने वाली है, बीजेपी वाले ऐसे ऐसे ये कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये साबित होता है कि नासिर हुसैन उस्ताद अब बहुत आगे जा चुका है। इतनी नेगेटिव कैंपेन करने के बावजूद, इतने झूठे झूठे अफवाह फैलाने के बावजूद भी आज गुलबर्गा नासिर हुसैन उस्ताद हर गली में, हर मोहल्ले में, हर जगह पर, हर तबके में, हर सेक्शन में नासिर हुसैन उस्ताद के ताल्लुक से आज गुफ्तगू कर रहे हैं, मीटिंग्स हो रहे हैं, मशवरे कर रहे हैं। आज इस बार जो है गुलबर्गा शहर में एक मजबूत लीडरशिप की ज़रूरत है, यह फिक्र लेकर तमाम लोग, मुख्तलिफ लोग जो है जमात के लोग, मुख्तलिफ समाज के लोग जो है वहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं, इजलास कर रहे हैं, फिक्रमंद है कि आने वाले दिनों में यहां पर गुलबर्गा शहर में एक मजबूत लीडरशिप, एक मजबूत खयालत, एक मजबूत रिप्रेजेंटेटिव जाकर वहां पर असेंबली में खड़े होकर वहां पर अपनी आवाज गुलबर्गा के डेवलपमेंट के लिए, गुलबर्गा की तरक्की के लिए, गुलबर्गा के आवाम के लिए वहां पर आवाज उठाने वाला, लैंग्वेज में बोलने वाला एक मजबूत लीडर की जरूरत है, उसको लेकर आज तमाम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और ये लोग, शर्म आना चाहिए तुम लोगों को तुम्हारी ये गंदी सियासत के ऊपर। मुझे यकीन है गुलबर्गा की आवाम पर जितने भी तुम अफवाहें फैलाते हैं फैलाने दो, जितनी नेगेटिव कैंपेन करने दो, लेकिन यहाँ पर आज गुलबर्गा शहर में तमाम हिंदू मुस्लिम तमाम लोग मिलकर जो है नासिर हुसैन उस्ताद को भारी अक्षरे से वोट डालकर एक इनकलाब लाएंगे, क्रांति लाएंगे, एक रेवोल्यूशन लाएंगे गुलबर्गा शहर में, और एक नया उभरता हुआ लीडर वहाँ असेंबली में जाएगा और तमाम लोग टीवी में देखेंगे नासिर हुसैन उस्ताद स्पीकर के सामने असेंबली के अंदर गुलबर्गा के हक की आवाज पूरी मजबूती के साथ पेश करेंगे। आप जब वो बात रखेंगे तो गुलबर्गा की आवाम का सीना चौड़ा हो जाएगा। इस बार हमने जिसको भी वोट दिया वो जाकर वहां पर असेंबली में हमारे लिए आवाज उठा रहा है, ये बात आप लोग देखेंगे। तमाम गुलबर्गा के आवाम से मैं गुजारिश करता हूं, ये झूठे झूठे जो अफवाहें हैं बीजेपी और कांग्रेस के नासिर हुसैन उस्ताद को निशाना बनाने के लिए, उनको अगर सबक अगर सिखाना है तो वो अपने वोटों के जरिए
से उनको सबक सिखाकर उनको उनका मुंह काला करेंगे। झूठे का मुंह काला, सच्चे का बोल वाला होगा। और मैं तमाम लोगों से बार बार गुजारिश करता हूं, हर जगह बोल रहा हूं, ये सिर्फ पांच साल के लिए हमको सीट बचाना नहीं है, पांच साल सीट बचाना है, सीट बचाने वाली बात हो रही है, यह सिर्फ पांच साल वाली बात नहीं है, ये 25 साल की बात है। वरना पांच साल के बाद हमारी सीट हमारी नहीं रहेगी। मैं इशारों में बोल रहा हूं, इशारों में समझ जाइए कि ये सीट को अगर बचाना है तो एक मजबूत लीडर होना होगा, वरना चले जाएगी सीट। याद रखिए, मैं एक एडवोकेट खानुंदा की हैसियत से बोल रहा हूं। मैं तमाम गुलबर्ग की अवाम से गुजारिश करता हूँ, ऐसे कॉल आएंगे, ऐसे मैसेज आएंगे, कुछ भी फोटो मैनिपुलेट करेंगे, कुछ भी ऐसा बताएंगे, उनके बहकाव में नहीं आना है। हमको पूरा मजबूती के साथ एक तरफ होकर वन साइड वोटिंग होनी चाहिए।